Forensic Solutions. I am Apurva Nawalde, Cyber Forensic Investigator at Forensic Solutions, is here with the another video. हमने पुराने वीडियो में देखा था कि कैसे साइबर क्रिमिनल स्कैम कॉल के थ्रू लोगों के बैंक अकाउंट से पैसे निकालते। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो मैंने ऊपर आई बटन में इस वीडियो के लिंक प्रोवाइड की है। तो अभी ये स्कैम कॉल की टेक्निक तो पुरानी हो गई है, अब साइबर क्रिमिनल एक नई टेक्निक लेके आए हैं, जो टेक्निक हम इस वीडियो में देखेंगे। अभी आजकल साइबर क्रिमिनल्स लिंक के या QR कोड के थ्रू लोगों के बैंक अकाउंट से पैसे निकाल रहे हैं। वो कैसे? आपको पता है QR कोड क्या रहता है? आजकल हर जगह QR कोड का यूज करना नॉर्मल हो गया है। आपको कोई भी ऑनलाइन पेमेंट करना हो, आप QR कोड का यूज करते हैं। आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन, बैंक अकाउंट डिटेल्स हो, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हो, आप QR कोड में स्टोर करके रख सकते हैं। आपको इनफैक्ट किसी वेबसाइट पे लॉगिन करना हो तो भी आप QR कोड का यूज करते हैं। इन शॉर्ट, कोई भी डेटा मैन्युअली एंटर करने से अच्छा आप QR कोड यूज करना प्रेफर करते हैं। साइबर क्रिमिनल इसी QR कोड का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी का यूज करके जो ट्रेंड में फ्रॉड चल रहा है वो है OLX फ्रॉड। अगर आपने, अब मान के चलो कि मुझे मेरा लैपटॉप बेचना है सेकेंड हैंड 20,000 रुपए में, मैंने ऐड डाली OLX पे, साइबर क्रिमिनल्स क्या करेंगे? वो आपकी ऐड देखते हैं, नंबर तो वहां पे दिया ही रहता है, आपको कॉल करते हैं और कॉल करके बोलते हैं कि मुझे आपका लैपटॉप पसंद आ गया है, बिना देखे, सिर्फ फोटो देखे, मुझे आपका लैपटॉप पसंद आ गया है तो मुझे आपका लैपटॉप चाहिए, मैं आपको ऑनलाइन पेमेंट करूंगा, मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ तो मेरा कोई रिलेटिव है वो आपके पास से लैपटॉप लेके जाएगा, पहले मैं ऑनलाइन पेमेंट कर देता हूँ। तो वो ऑनलाइन पेमेंट सीधे सीधे नहीं करेगा, वो आपको QR कोड भेजेगा व्हाट्सएप के जरिए और फिर आपको बोलेगा कि आप ये QR कोड स्कैन करो। तो लोग जनरली क्या करते हैं, इस जाल में फंस जाते हैं, वो QR कोड को स्कैन करते। अभी स्कैन करना कुछ गलत बात नहीं है, आगे वो क्या करते, स्कैन करने के बाद वहां पे जितनी अमाउंट उसको देनी है 20,000, वहां ऊपर लिख के आती है 20,000 और नीचे क्या लिखा है, नीचे लिखा है पे। तो लोग क्या करते हैं, उस पर क्लिक कर देते हैं, अपनी पिन डाल देते हैं और प्रोसीड कर देते हैं। यही गलती होती है लोगों की। अगर उसको आपको पैसे भेजने हैं तो आप क्यों पे कर रहे हो, आप क्यों पिन डाल रहे हो? अगर उसको अगर आपको किसी को पैसे देने हैं तो आपको पिन डालने की जरूरत है। अगर वो आपको पैसे दे रहे हैं तो आपको पिन देने की कुछ जरूरत ही नहीं है ना। यही पे लोग मार खा जाते हैं और इसी OLX फ्रॉड का शिकार बन जाते हैं। सबसे पहली गलती कहा हुई विक्टिम की कि भी किसी भी इंसान को अगर कोई सेकेंड हैंड चीज लेनी हो तो वो कभी भी बिना उसकी वर्किंग देखे नहीं लेता। दूसरी गलती, अगर उसको आपको पेमेंट भेजना है तो वो QR कोड क्यों सेंड कर रहा है? तीसरी गलती, अगर वो आपको पैसे भेज रहा है तो आप सेंड क्यों कर रहे हो उतना अमाउंट? चौथी गलती, अगर आगे वाला आपको अमाउंट सेंड कर रहा है तो आपको अपनी पिन डालने की कोई जरूरत नहीं है। इधर ही लोग गलती करते हैं कि वो अभी इसी तरह QR कोड का यूज करके, इसी टेक्निक का यूज करके लोग OLX फ्रॉड कर रहे हैं। यही सेम टेक्निक का यूज करके वो कोई दूसरा भी फ्रॉड कर सकते हैं। तो आपको अलर्ट रहना है, आप कोई भी ऑनलाइन पेमेंट गेटवे यूज कर रहे हो तो प्रॉपर उसकी वर्किंग पहले जान ले और बाद में उसका यूज करे। अभी QR कोड का यूज करके साइबर क्रिमिनल फ्रॉड कर रहे, इसका मतलब ये नहीं कि आप ऑनलाइन पेमेंट गेटवे यूज करना ही बंद कर दो। यूज करना ये गलत बात नहीं है, पर आप कैसे यूज करते हो उस पर डिपेंड करता है। जब भी आप कोई भी इंस्ट्रक्शन फॉलो करते पहले अच्छे से पढ़ ले, आप पे कर रहे हो कि पैसे ले रहे हो। अभी ये सब हो गया कि QR कोड का साइबर क्रिमिनल्स कैसे यूज कर रहे हैं। अब हम देखेंगे कि ये साइबर क्रिमिनल लिंक का यूज करके कैसे लोगों पैसे हड़पते हैं। अब साइबर क्रिमिनल्स लिंक के थ्रू भी बैंक अकाउंट से पैसे निकाल रहे हैं फ्रॉड करके। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी लिंक पे क्लिक ही ना करो, आप लिंक पे क्लिक करने के बाद में आपके साथ क्या होता है उसके ऊपर डिपेंड करती है चीजें। ऐसे तो आपके SMS में लिंक्स आएंगी,
ईमेल के थ्रू लिंक आएंगी, व्हाट्सएप के थ्रू लिंक आएंगी, आप किसी जॉब पे अप्लाई कर रहे हो तो वो जॉब की रिगार्डिंग लिंक आएंगी, आप सिम यूज करते हो उसके रिगार्डिंग एसएमएस में लिंक आती है, आप कोई शॉपिंग वेबसाइट पे शॉपिंग कर रहे हो उसकी रिगार्डिंग कोई लिंक आती है। लिंक तो बहुत सारी आती है आपको दिन भर में, पर इस लिंक का यूज करके साइबर क्रिमिनल्स कैसे फ्रॉड करते हैं? इसी QR कोड की तरह साइबर क्रिमिनल्स लिंक भी भेजते हैं लोगों को, जिसके थ्रू उनके अकाउंट से पैसे डिडक्ट होना चालू हो जाते हैं। रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें विक्टिम को साइबर क्रिमिनल ने एक SMS भेजा था जिसमें लिखा था कि आपको पेटीएम की तरफ से आपने 2000 रुपए का रिवॉर्ड जीता है। तो उनको जेन्युइन लगा, नीचे लिंक दी थी, वो लिंक पे उन्होंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद उनको ऊपर 2000 रुपए लिखा था, नीचे सेंड लिखा था, उन्होंने सेंड किया। बाद में पिन डाली, पिन डालने के बाद प्रोसीड किया, उसके बाद उनके अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो गए 2000। तो भी उन्होंने फिर से अकाउंट में पैसे क्यों नहीं आए करके फिर से वही प्रोसीजर रिपीट की, फिर से 2000 रुपए डिडक्ट हो गए। तो इससे हमें क्या समझता कि आप ऑनलाइन पेमेंट गेटवे यूज कर रहे हो तो पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ो कि आपको रिवॉर्ड मिल रहा है कि आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो रहे हैं। रिसेंटली गवर्नमेंट की तरफ से एक वार्निंग आ रही थी कि साइबर क्रिमिनल्स लोगों को फिशिंग लिंक सेंड कर रहे हैं, तो किसी भी लिंक पे क्लिक ना करें। तो लोगों को हर लिंक फेक ही लगती थी, जरूरी नहीं कि हर लिंक फेक ही हो या जरूरी नहीं कि हर लिंक जेन्युइन ही हो, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप लिंक पे क्लिक करने के बाद क्या करते हो। तो इसीलिए सेफली ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करें, सेफली पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, ये जितने भी पेमेंट गेटवे है वो सेफली हैंडल करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। Stay safe, stay secure.